गोरखपुर विश्वविद्यालय के स्नातक प्रथम वर्ष के छात्रों ने चार सूत्रीय मांगों को लेकर कुलसचिव कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया, जिसके संबंध में छात्र नेता गौरव वर्मा ने बताया कि यूजीसी के नियमानुसार कक्षाओं का संचालन 3 महीने होने के बाद ही परीक्षा कराना चाहिए, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन बिना कक्षाओं के चलाए ही परीक्षा करा रहा है, जो कि गलत है। उन्होंने कहा 20 दिसंबर से शुरू होने वाली परीक्षा को रद्द करें तथा कक्षाओं का संचालन सुचारू रूप से करावें। इस अवसर पर योगेश प्रताप सिंह, नितेश मिश्रा, अरुण यादव, शांतनु यादव, सुशांत शर्मा, मंजेश कुमार, आशुतोष तिवारी सहित अन्य छात्र व छात्राएं मौजूद रहीं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए छात्र नेता गौरव वर्मा तथा छात्रा मुस्कान ने कहा, गौरव वर्मा छात्र नेता गोरखपुर विश्वविद्यालय स्नातक वर्ष के प्रथम वर्ष के छात्रों का है। स्नातक के गोरखपुर विश्वविद्यालय में अध्ययनरत कुल सचिव द्वारा अभी कुछ दिन पहले ये अपने एक नोटिफिकेशन के माध्यम से संदेश दिया गया है कि 20 दिसंबर से इनकी जो वार्षिक सेमेस्टर वाली परीक्षा है, क्योंकि CBSE CS प्रणाली अब लागू हो चुकी है स्नातक में भी, तो ये इस बार 20 तारीख से परीक्षाएं लेने जाएंगे। अभी तो ये नवंबर तक परीक्षाएं की हैं। UGC का ये गाइडलाइन है कि 3 महीने तक लगातार अगर कक्षाएं चली हैं तब तो जाके 3 महीने, इन द सेंस 90 दिन, अगर कक्षाएं चली हैं एकदम प्रारूप में अपने चली हैं तब तो ये परीक्षाएं ले सकते हैं, अन्यथा इनके पास एक ऑप्शन है, ये फर्स्ट सेमेस्टर में इन बच्चों को प्रमोट करें और सेकेंड सेमेस्टर में इनकी परीक्षाएं लें, उस हिसाब से रिजल्ट दें। आपसे मैं ये चाहूँगा कि यहाँ बैठी बहनों से पूछ लीजिए, मैं छात्र नेता हूँ, मैं लीड कर रहा हूँ, लेकिन ये बहनें बताएंगी कि इनकी क्या समस्या है और किस कारण ये यहाँ आई हैं। मांगे यही हैं कि परीक्षा की तिथियाँ या तो आगे बढ़ाई जाए, अन्यथा हमको प्रमोट करके और दूसरे सेमेस्टर में हमारी परीक्षाएं ली जाए। मुस्कान भाटी, क्या मांगे आप लोग? हम लोग की मांगे यही हैं, हम भैया को पूरा समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि अभी क्लासेस भी नहीं चली हैं, ऊपर से एग्जाम है, इतना जल्दी कोई कैसे एग्जाम दे सकता है, ना प्रोफेसर क्लास में आते हैं, ना पढ़ाई हुआ है, ना सिलेबस कम्प्लीट हुआ है, तो कैसे कोई एग्जाम देगा इतना जल्दी।